पाली साहित्य में अधिकतर जो भगवान बुद्ध ने अपने आप को कहा है वो तथागत का है वो जब भी जिक्र आता है उनका यही आता है कि तथागत ने ऐसा नहीं बताया तथागत ने ऐसा नहीं किया तथागत कभी ऐसा नहीं नहीं कहते तथा तथागत ने ये आपको बताया क्या ऐसे करके ये आता है बहुत सारे लोग पूछते हैं कि तथागत का मतलब क्या है कुछ लोग समझते हैं कि तथागत का मतलब है तथा माने जैसा है गत माने गति यानी जैसा है वैसी गति ऐसा करके बोलते हैं बेसिकली तथागत का ये मतलब नहीं है तथागत का मतलब है तथ्य तथ और आगत यानी तथ और आगत इसको दो तरह से तोड़ा जा सकता है एक तथ आगत और एक तथागत तथागत आसान तोड़ना तोड़ना होता है संधि को इसलिए लोग उसका मतलब बताते हैं मगर जो शब्द का असली मीनिंग है वो है तथ और आगत तथ आगत का मतलब है तथ्य बोलते हैं पाली में रियल को और ट्रू को यानी जो सत्य चीज है और जो बिल्कुल ट्रू है और जो रियल है जो तथ्य है उसको सत्य बोलते हैं और आगत मतलब आया हुआ यानी कि जो सत्यता पर तथ्यों पर आया हुआ है जो जानता है जो उनका साक्षात कर चुका है जो उसको देख चुका है जो तथ्यों को बारीकी से तोड़ के एक एक तथ्य को देख चुका है और जो उसकी सच्चाई को जानता है उसको तथागत बोलते हैं और तथागत वही होता है जो बोध ही प्राप्त कर ले क्योंकि बोध ही जो प्राप्त कर लेता है वो एक एक चीज के तत्व को यानी कि जो जो रेज भी हैं जो एटम भी जो वाइब्रेट करता है उसको भी देख लेता है वो अंदर और बाहर का सब देख लेता ले है इसलिए उसको तथागत बोलते हैं तथागत बुद्ध ने अपने आप को भगवान बहुत कम या बाद के लोगों ने कहा है उन्होंने कभी भगवान शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है भगवा शब्द का उनके लिए इस्तेमाल हुआ है भगनवान है बेसिकली ये भगवान में नए वाला शब्द तो है ही नहीं पाली के अंदर भगवा बोलते हैं इति सो भगवा भगवा बोलते हैं धन्यवाद